हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में जो बार बार पूछे जाते हैं लेटर, जो इम्पॉर्टेंट लेटर्स हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको मैं बताऊँगा। और मैं आपको एप्लीकेशन इसके पहले बता चुका हूँ। आप यदि एप्लीकेशन के वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डली हुई है, उसको भी आप देख लीजिएगा। लेटर बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। आप यदि वीडियो अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपसे लेटर कैसे लिखा जाता है और लेटर कि जो हिचक है आप में, जो डर है आप में, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आपसे लेटर लिखते बनने लगेगा। तो आप लेटर सीखने से पहले मेरे इस वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको परीक्षा उपयोगी मेरे अन्य वीडियो भी आसानी से मिल जाएं। इसलिए आपको लाइक और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, और यदि कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी आती है, तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लाइक और कमेंट्स कर चुके होंगे, यदि नहीं किए हैं तो कर दीजिए। मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीके से लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, कोई भी परीक्षा में लेटर आएगा आपसे बनने लगेगा, कोई भी आए लेटर, आपका डर आज से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और यदि आप मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे टेंस, वॉइस, आर्टिकल, तो आप यूट्यूब में जा कर के विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर, ये लिखा हुआ है यहीं, इसी तरह से आप विनोद कुमार तिवारी एक्सीलेंस स्कूल मैहर लिख दीजिए, आपको मेरे सभी वीडियो आसानी से एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट लेटर राइटिंग। हाउ टू राइट लेटर व्हेन आस्क्ड इन द एग्जाम नेशन पेपर। कोई भी लेटर यदि परीक्षा में आता है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, मैं तरीका और कुछ जो महत्वपूर्ण लेटर हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ बता दूंगा आपको। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला लेटर है जैसे, राइट अ लेटर टू योर फादर टू आस्क हिम टू सेंड रुपीज 1000 टू बाय सम बुक्स। किताबें खरीदने के लिए अपने पिताजी से 1000 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखना है। कभी कभी नाम भी दे देता है कि यू आर सुरेश द्विवेदी रेजिडिंग एट बड़नगर इंदौर, इस तरह से करके नाम और एड्रेस दोनों दे देता है। तो यदि क्वेश्चन में नाम और एड्रेस दिया है तो आप एड्रेस में वही एड्रेस लिखिएगा जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नाम वही लिखिएगा जो नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए, यदि एड्रेस नहीं दिया तो आप इतना कर सकते हैं कि यहाँ 16 ये वार्ड नंबर है, आप कुछ भी लिख दीजिए, 16, 15, 5, 20, 25, 91, जो भी आपको लिखना हो 16 की जगह लिख सकते हैं। कृष्णा नगर, आप कृष्णा नगर एक एग्जाम्पल के तौर पे है, आपका जो नाम हो, मान लीजिए आपका नाम है राहुल, तो कृष्णा की जगह आप लिख दीजिए राहुल नगर। किसी का नाम जैसे है प्रीति, तो वहाँ लिख दीजिए कृष्णा की जगह प्रीति नगर। अगर किसी का नाम मुकेश है तो आप कृष्णा हटा करके मुकेश नगर, मतलब अपने नाम के आगे नगर और लिख दीजिए, आपका बन जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पास मैं कृष्णा ले लिया हूँ, तो कृष्णा नगर 16 वार्ड नंबर है, कुछ भी, या फ्लैट नंबर, जो भी कहिए आप, यहाँ पास आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
यदि क्वेश्चन पेपर में नाम एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस उतार दीजिएगा, नहीं दिया तो अपने नाम के आगे नगर और लिख दीजिए तो बन जाएगा एड्रेस। जैसे है कृष्णा नगर, रीवा रोड मैहर, डिस्ट्रिक्ट सतना, MP, 3rd March 2020। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये काल्पनिक एड्रेस है, काल्पनिक नाम है। आप भी किसी कोई भी एड्रेस यदि क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया तो आप कोई भी एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ चलेगा। डेट भी काल्पनिक है, आप कोई भी डेट यहाँ लिख लीजिएगा। तो इस तरह से यदि आप ऊपर का इतना एड्रेस कंप्लीट कर लेते हैं तो एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए, डियर फादर, डियर फादर, आई एम वेल एंड ओके हियर एंड होप यू विल बी सो। मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे, ये लिखा है इसमें। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आई हैव पास्ड द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीज़न, मैंने अर्धवार्षिक परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास कर ली है। माई एनुअल एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर, मेरा जो वार्षिक परीक्षा है वो नज़दीक आने वाला है। सो आई हैव टू बाय सम इम्पॉर्टेंट बुक्स, इसलिए मुझे कुछ महत्वपूर्ण किताबें खरीदनी हैं। काइंडली सेंड मी ₹1000 एज सून एज पॉसिबल, कृपया 1000 रुपये जितना जल्दी से जल्दी हो सके भेज दीजिए। एज सून एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके उतना। से रिगार्ड टू मदर एंड लव टू सिस्टर, माता जी को प्रणाम कहिएगा और बहन को प्यार कहिएगा, मेरी तरफ से माता जी को प्रणाम कहिएगा और बहन को प्यार। रेस्ट व्हेन वी मीट, बाकी बातें जब हम मिलेंगे तब करेंगे। योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र कृष्णा तिवारी। ठीक, अब ये जो है, से रिगार्ड टू मदर एंड लव टू सिस्टर, रेस्ट व्हेन वी मीट, ये सभी एप्लीकेशन सभी लेटर में आ जाएगा, इसलिए इसको आप एक बार अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। से रिगार्ड टू मदर एंड लव टू सिस्टर, ये कोई भी लेटर आए, कुछ भी आए, आप इसको लिख सकते हैं। रेस्ट व्हेन वी मीट, कोई भी लेटर आता है, कुछ भी आए, आप इसको लिख सकते हैं। और ऊपर की लाइन ये, आई एम वेल एंड ओके हियर एंड होप यू विल बी सो, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, यहाँ तक कोई भी लेटर आता है आप उसमें इसको लिख दीजिए, कहीं कुछ गलत नहीं होगा। दैट के बाद जो विषय का लेटर हो उसके बारे में फिर आप लिखना चालू कर दीजिए, मतलब 2-3 लाइन कॉमन है, उन लाइनों को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए और सभी लेटरों में यूज कर लीजिएगा। ये एड्रेस मैंने बता ही दिया, तो ये एड्रेस काल्पनिक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने नाम के आगे कोई भी अपने नाम के आगे नगर लिख दीजिए और कोई कुछ भी लिख दीजिए। मैंने रीवा रोड लिखा है, तुम भोपाल रोड कर दीजिए, कटनी रोड कर दीजिए, घंटाघर रोड कर दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो यहाँ कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सतना MP, चूँकि सतना है, जो भी जिला हो आपका, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सतना की जगह डिस्ट्रिक्ट मंडला, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 1000 रुपये पिताजी से मंगवाने के लिए पहला लेटर हो गया। अब नाउ सी द सेकंड लेटर, देखिएगा बिल्कुल सरल है, एक जैसे हैं सब, थोड़ा थोड़ा अंतर भर रहेगा। आपसे अंत तक यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपसे लेटर लिखते बनने लगेगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर टू अटेंड योर ब्रदर्स सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी, अपने मित्र को आमंत्रित करना है, मित्र हिम लड़के के लिए, हर लड़के के लिए, अपने मित्र को आमंत्रित करना है। काहे के लिए? क्योंकि आपके भाई
या बहन ब्रदर्स या सिस्टर लिखा है तो कोई एक आएगा पेपर में, या तो ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी आएगा या सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी आएगा, दोनों नहीं आएगा, कुछ भी आए पेपर में, इसलिए यहाँ ब्रदर्स सिस्टर्स मैंने दोनों लिख दिया है, पेपर में केवल एक रहेगा। भाई या बहन की शादी है उसमें दोस्त को आपको बुलाना है तो एक पत्र अपने दोस्त को लिखिए, इनविटेशन दीजिए। तो देखिए यहाँ भी 15 कृष्णा नगर रिवर रोड मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP 4th March 2020। यहाँ मैंने जैसा आपको पहले बताया आप कुछ भी लिख दीजिए, किसी का नाम दीक्षा है तो आप यहाँ वहाँ लिख सकते हैं 20 दीक्षा नगर, मतलब अपने नाम के आगे आपको नगर लिख देना है तो कोई दिक्कत ना जाएगी। मैंने यहाँ रिवर रोड मैहर किया है, आप कुछ भी कर दीजिए, घंटा घर चौक मैहर या घंटा घर चौक भोपाल, या आप कर दीजिए पुरानी बस्ती रोड भोपाल इंदौर ग्वालियर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं एड्रेस काल्पनिक होता है, यदि पेपर में नहीं दिया तो आप कुछ भी लिख दीजिए, अब पेपर में दिया है तो कोई दिक्कतें नहीं है, आप वहीं से एड्रेस उठा करके लिख दीजिएगा। अब देखिए, डियर फ्रेंड आई एम वेल एंड ओके हियर एंड होप यू विल बी सो, देखिए वही लाइन है ना, पेपर में एक लेटर आएगा इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि वही वही मैंने लिखा है, चाहता मैं तो और दूसरे लिख देता लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए है ताकि आपको कोई परेशानी ना जाए, आप एक बार एक लेटर याद कर लीजिए, आपसे पूरे लेटर बन जाएंगे। पेपर में एक लेटर पूछेगा तो कोई ये नहीं जान पाएगा कि आपसे केवल इतना ही बनता है, उसको ये लगेगा कि आप सही लेटर लिख दिए हैं, इसलिए इस पर मत जाइएगा कि वही वही शब्द लिखा गया है, ये आपकी सुविधा के लिए है, मैं चाहता तो दूसरे शब्द भी यहाँ लिख सकता था लेकिन वो आपके लिए सुविधाजनक हो जाता, ये सुविधाजनक है तो एक लेटर आएगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेल एंड ओके हियर एंड होप यू विल बी सो, मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे, आप भी सकुशल होंगे। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि, देखिए यहाँ तक उस लेटर में भी था, शुरू वाले में भी, इसमें भी है कि माई ब्रदर्स सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस इन 10 मार्च 2020। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई या बहन की शादी 10 मार्च को होने जा रही है। ठीक, कितना याद करना है आपको इसमें, माई ब्रदर्स सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 10th March 2020। इतना केवल एक लाइन आपको याद करना है, आपसे ये भी लेटर बनने लगेगा। फिर वही, प्लीज डू कम विथ योर फैमिली अ वीक बिफोर, अपने परिवार सहित एक सप्ताह, शादी के एक सप्ताह पहले अवश्य आइएगा। फिर वही लाइन है यहाँ, से रिगार्ड टू मदर एंड लव टू सिस्टर रेस्ट व्हेन वी मीट, मेरी तरफ से माता जी को प्रणाम और बहन को प्यार, बाकी बातें जब हम मिलेंगे तब, योर्स फ्रेंड कृष्णा तिवारी। यहाँ आप कोई भी नाम लिख दीजिए जो आप चाहें, तो कितना सरल है, बिल्कुल आसान है, केवल एक लाइन आप याद करेंगे आपसे ये भी एप्लीकेशन, सॉरी ये भी लेटर बनने लगेगा। नाउ सी द थर्ड लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, ये भी आया करता है पेपर में, बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को बुलाने के लिए पत्र लिखना है। तो एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है लेटर में, तो आप एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस काल्पनिक है मैं बता चुका हूँ, आप लिख दीजिए 15 कृष्णा नगर रिवर रोड मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP 4th March 2020। डियर फ्रेंड आई एम वेल एंड ओके हियर एंड होप यू विल बी सो, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, देखिए वही लाइनें हैं ना, इसमें एक बार याद कर लीजिए, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, दैट तक वही है,
मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माई ब्रदर्स सिस्टर्स बर्थडे पार्टी इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 10th March 2020। मेरे भाई या बहन जिसका भी हो, भाई का हो तो भाई लिख दीजिएगा, बहन हो बहन का जन्मदिन हो तो बहन लिख दीजिएगा कि भाई या बहन का बर्थडे पार्टी 10 मार्च को होने वाली है। प्लीज़ डू कम विथ योर फैमिली, परिवार सहित अवश्य आइएगा। से रिगार्ड टू मदर एंड लव टू सिस्टर, माता जी को प्रणाम और बहन को प्यार। रेस्ट व्हेन वी मीट, बाकी जब मुलाकात होगी तब बात करेंगे। योर्स फ्रेंड कृष्णा तिवारी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द अनदर लेटर। इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज आस्क्ड मैनी टाइम्स इन क्वेश्चन पेपर, सो लिसन केयरफुली। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू कंग्रेचुलेट हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन हिज स्कूल एग्जाम, इन हाई स्कूल एग्जाम या PET एग्जाम या PMT एग्जाम या JEE एग्जाम। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखना है, काहे के लिए, टू कंग्रेचुलेट हिम, उन्हें अपने मित्र को बधाई देने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन हाई स्कूल एग्जाम, हाई स्कूल में उसने अच्छी सफलता हासिल की है, या हाई स्कूल की जगह PET एग्ज़ाम हो सकता है, PET एग्ज़ाम में अच्छा किया है, या PMT एग्ज़ाम में अच्छा किया है, या JEE जो भी आए, आप यहाँ बदल सकता है, आप जो भी आए उसको आप लिख दीजिएगा। ये फिर वही एड्रेस है, 15 कृष्णा नगर रीवा रोड मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP 4th March। ये डेट आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड, I am well and okay here and hope you will be so. I am very glad to inform you that. देखिए यहाँ तक वही है ना, मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि I have seen your name in the newspaper. मैंने तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में देखा। You have passed the high school. आपने हाई स्कूल या PMT या PET या JEE एग्ज़ाम आपने विथ एक्सीलेंट रैंक, अच्छे रैंक से आपने पास किया है। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक, कितना याद करना है इसमें, मात्र इतना कि आई हैव सीन योर नेम इन द न्यूज़पेपर, यू हैव पास द हाई स्कूल, हाई स्कूल का आए तो हाई स्कूल एग्ज़ाम विथ एक्सीलेंट रैंक, या PMT का आए तो यू हैव पास द PMT एग्ज़ाम विथ एक्सीलेंट रैंक, या JEE का आए तो कैसा लिख देंगे, यू हैव पास द JEE एग्ज़ाम विथ एक्सीलेंट रैंक। ठीक है, से रिगार्ड टू मदर एंड लव टू सिस्टर, रेस्ट व्हेन वी मीट। देखिए वो लाइनें बार बार वही आती है ना, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इन लाइनों को आप अच्छे तरीके से याद कर लिए। आप कोई भी लेटर आई क्वेश्चन पेपर में, आप इन लाइनों को बेहिचक लिख सकते हैं। कृष्णा तिवारी, नाउ सीधा अनदर एप्लीकेशन, सॉरी सीधा अनदर लेटर। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, कलेक्टर को पत्र लिखना है, परीक्षा में यदि कलेक्टर पूछता है तो कलेक्टर, या टू द SP सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे कहते हैं, SP को आए तो SP, या द SDM, द SDM को आए द SDM ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को पत्र लिखना है। फॉर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर को आपको पत्र लिखना है कि लाउड स्पीकर ना बजे। ठीक, तो लेटर है, लेटर में मैंने बताया कि सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, तो आप एड्रेस लिख दीजिए।
यदि क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया है तो वही एड्रेस आप हूबहू उतार देंगे। कैसे, मैंने बताए थे जैसे कि यू आर नेहा शर्मा रेसिडिंग एट घंटा घर चौक इंदौर, मान लो ये दिया है तो आप यहाँ एड्रेस में फिर लिखेंगे घंटा घर चौक इंदौर डिस्ट्रिक्ट इंदौर एमपी, जो एड्रेस में दिया हो वही आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा तो आसान होगा, देख करके आप लिख लीजिएगा। और नहीं आता तो मैंने बताया ही आपको कि अपने नाम के आगे नगर और लिख दीजिए तो बन जाएगा। 15 की जगह आप कुछ भी लिख दीजिए कि 35 कृष्णा नगर रीवा रोड मैहर, आप कुछ भी लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट सतना एमपी 4th March 2020। अब देखिएगा कलेक्टर को आता है तो द कलेक्टर लिखेंगे आप, एसपी को आता है तो क्या लिखेंगे, द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ये लिख देंगे। ठीक, तीनों नहीं आएगा, एक आएगा तो आपको एक लिखना है, जिसका आए उसका, तीनों को नहीं लिखना। मैंने तीनों को एक साथ आ जाया करता है कभी कभी पेपर में, एसपी का भी कलेक्टर का भी एसडीएम का, तो जो भी आए उसको आप लिख लीजिएगा, द एसडीएम डिस्ट्रिक्ट सतना एमपी, अब जिस जिले का हो उस जिले का आप यहाँ पास मेंशन कर दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंदौर डिस्ट्रिक्ट मंडला डिस्ट्रिक्ट झाबुआ डिस्ट्रिक्ट रतलाम, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इम्पोजिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने बाबत। ठीक, रिस्पेक्टेड सर, विथ, अब ये थोड़ा सा अधिकारी को है इसलिए इसको दूसरे ढंग से लिखेंगे, है लेटर ही, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेक टू से दैट, यदि आपने मेरा एप्लीकेशन वाला वीडियो देखा है तो ये लाइनें सेम उसी तरह से हैं, आपने नहीं देखा यदि तो एप्लीकेशन का वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने एप्लीकेशनों को बताया है, आप एक बार अगर देखेंगे तो आपसे एप्लीकेशन लिखते बनने लगेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ या छात्रा हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन दैट, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन मतलब मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि माई एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर, मेरी परीक्षा नज़दीक आने वाली है, बट सम पीपल ऑफ माई कॉलोनी प्लेइंग लाउड स्पीकर्स एट वेरी हाई वैल्यूम टिल लेट नाइट, मेरी परीक्षा नज़दीक आने वाली है लेकिन मेरे मोहल्ले के कुछ लोग देर रात तक तेज आवाज में लाउड स्पीकर्स बजाते हैं, बाजा बजाते हैं। आई कांट कंसंट्रेट ऑन माई स्टडी, जिससे मैं पढ़ नहीं पाता या पढ़ नहीं पाती हूँ। सो प्लीज इम्पोज बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट देम, इसलिए अनुरोध है कि लाउड स्पीकर्स बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाए और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, का कोई कार्रवाई की जाए। थैंकिंग यू, धन्यवाद, योर सिंसियरली कृष्णा तिवारी। ठीक है, आपको बिल्कुल आसान है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन दैट, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि, यहाँ हो गया आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन दैट, फिर माई एग्जामिनेशन इज कमिंग नियर बिल्कुल सरल है, बट सम पीपल ऑफ माई कॉलोनी प्लेइंग लाउड स्पीकर्स एट वेरी हाई वैल्यूम टिल लेट नाइट, इतना याद कर लीजिए। आई कांट कंसंट्रेट ऑन माई स्टडी, मेरा ध्यान पढ़ने में नहीं लग पाता स्पीकर बजाने के कारण। सो प्लीज
इम्पोज बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। इसको आप, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट लेटर है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। फिर मैं वीडियो को दूसरे मोड में कर दूंगा, तो आप वीडियो को रोक करके कॉपी पेन लेकर के इन एप्लीकेशनों को आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में सुविधा होगी। फिर देखिए नेक्स्ट लेटर, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको कलेक्टर को, अपने ज़िले के कलेक्टर को पत्र लिखना है, किसके बारे में, आपके एरिया की जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ सुविधाओं की कमी है और अव्यवस्था फैली हुई है, उसके संदर्भ में कलेक्टर को पत्र लिखना है। काहे के लिए, गवर्नमेंट आपके एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अव्यवस्था और असुविधा है, सुविधाओं की कमी है, तो उसके बारे में आपको कलेक्टर को पत्र लिखना है। फिर देखिएगा, मैंने बताया ही कि सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, तो एड्रेस लिख दीजिए, इसमें कोई भी एड्रेस आप लिख दीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि आप याद इसको मत करिए। आप यदि क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन से लिख दीजिएगा, नहीं आप काल्पनिक है, काल्पनिक आप लिख दीजिए, कोई भी जो भी, या जहाँ के आप हैं वहाँ का एड्रेस लिख दीजिए, सीधा सीधा है, जहाँ के आप हैं वहाँ का एड्रेस लिख दीजिए। आप यहाँ पास 15 लिखा है तो आप 37 कर दीजिए, चाहे 37 कृष्णा नगर, कृष्णा नगर की जगह आप दीपक नगर कर सकते हैं, सरोज नगर कर सकते हैं, दीपमाला नगर कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। रीवा रोड मैहर की जगह आप लिख सकते हैं कि भोपाल रोड इंदौर, ठीक, जो भी आप चाहें वो यहाँ पास से एड्रेस लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सतना एमपी। अभी लिखा है 15 कृष्णा नगर रीवा रोड मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना एमपी, 5th March 2020 द, ठीक, यहाँ तक एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद कलेक्टर को आता है तो कलेक्टर लिख दीजिए, सीएमओ को आता है यदि तो द कलेक्टर की जगह द सीएमओ यहाँ कर दीजिएगा। अगर सीएमओ को आता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर को सीएमओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यदि आता है तो यहाँ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह द चीफ मेडिकल ऑफिसर भी आप लिख सकते हैं यदि पेपर में आए तो। अभी कलेक्टर के लिए है तो इसलिए कलेक्टर को इंडोर्स करते हैं हम, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सतना एमपी, सब्जेक्ट माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैहर, माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैहर, मैहर के सरकारी हॉस्पिटल में अव्यवस्था के संदर्भ में। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ, किस पर, टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैहर। अब देखिए, मैं ये क्वेश्चन ही में लिखा है, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं, ठीक। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैहर, मैहर के सरकारी हॉस्पिटल में अव्यवस्था और सुविधाओं की कमी है, मैं उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, ठीक। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ, टू द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैहर, मैहर के सरकारी हॉस्पिटल में अव्यवस्था और असुविधा या सुविधाओं की कमी के संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।
देयर आर ओनली 7 डॉक्टर्स एंड 5 नर्सेस इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में केवल 7 डॉक्टर और 5 नर्स हैं। दे आर ऑल्सो नॉट कमिंग इन टाइम। वो भी समय पर हॉस्पिटल नहीं आते। रूम्स एंड बेड सीट्स आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली। कमरा और बेड के चादर नियमित रूप से साफ नहीं किए जाते। देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ सोनोग्राफी एंड एक्सरे। इस अस्पताल में सोनोग्राफी और एक्सरे की कोई सुविधा नहीं है। मेडिसिंस आर नॉट अवेलेबल। दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल इज गोइंग टू बैड टू वर्स्ट। सरकारी हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल इज गोइंग टू बैड टू वर्स्ट। बैड टू वर्स्ट मतलब बद से बदतर, खराब से और खराब। ठीक, सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर देखिए, वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल। हम आपके बहुत बहुत आभारी होंगे। इफ़ यू लुक इन टू द मैटर, यदि आप इस मैटर पर ध्यान देते हैं तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। एंड टेक प्रॉपर एक्शन सो दैट पीपल मे गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। और उचित कार्यवाही कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। ठीक है, वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब आभारी होना। वी शैल बी, हम बहुत आभारी होंगे। इफ़ यू लुक इन टू द मैटर, यदि आप इस मैटर को देखोगे तो, और यदि आप इस मैटर पर उचित कार्यवाही करते हैं तो, जिससे ताक, सो दैट मतलब ताकि, या जिससे पीपल में गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, जिससे लोग सही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकें। योर सिंसियरली कृष्णा तिवारी। अब एक और लेटर है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। राइट अ लेटर टू द पोस्टमास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। यू आर कृष्णा तिवारी। देखिए यहाँ यू आर कृष्णा तिवारी आ गया, या आगे और हो सकता था यू आर कृष्णा तिवारी लिविंग एट काली मंदिर रोड ग्वालियर। यू आर कृष्णा तिवारी लिविंग एट काली मंदिर रोड ग्वालियर, ऐसा कुछ भी दे सकता था। तो जो एड्रेस होता वही एड्रेस आप यहाँ लेटर में लिखते हैं। अब 15 कृष्णा नगर रीवा रोड मैहर डिस्ट्रिक्ट सतना MP 2 मार्च 2020। किसको लिखना है ये लेटर? आपको पोस्ट मास्टर को लेटर लिखना है। काहे का कि आपके एरिया में जो पोस्टमैन है उसकी आपको शिकायत करनी है। ठीक है, तो पोस्टमैन की शिकायत करने के लिए पोस्ट मास्टर के लेटर लिखना है। ठीक, तो यहाँ द पोस्ट मास्टर लिख देंगे। द पोस्ट मास्टर डिस्ट्रिक्ट सतना MP, जिस डिस्ट्रिक्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम। सब्जेक्ट रिगार्डिंग कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, हमारे एरिया के पोस्टमैन के शिकायत के संदर्भ में। रिगार्डिंग मतलब संदर्भ में। कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया, हमारे एरिया के पोस्टमैन के शिकायत के संदर्भ में। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन दैट। देखिए वही वही लाइनें आती हैं, एक बार आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई असुविधा नहीं होगी। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन दैट, पूरे सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया मिस्टर राहुल शर्मा इज वेरी केयरलेस ऑन हिज ड्यूटीज।
ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हमारे एरिया का पोस्टमैन जो राहुल शर्मा हैं अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही लापरवाह हैं। हमारे एरिया के पोस्टमैन राहुल शर्मा अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत लापरवाह हैं। ही डज नॉट कम रेगुलरली, वह नियमित एरिया में नहीं आते। ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स, वह लेटर को भी हम तक नहीं पहुंचाते। ही सेंड्स बैक रजिस्ट्रीज एंड अदर इम्पॉर्टेंट लेटर्स, वह रजिस्ट्री और दूसरे महत्वपूर्ण लेटरों को लौटा भी देते हैं। वी आर सिक ऑफ हिम, हम तंग आ गए हैं उनसे। वी आर सिक ऑफ हिम मतलब हम तंग आ गए हैं पोस्टमैन से। सो काइंडली टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट हिम आर ट्रांसफर हिम टू अनदर एरिया। सो काइंडली टेक प्रॉपर एक्शन, इसलिए निवेदन है कि आप उचित कार्रवाई करिए या हमारी एरिया से उनका ट्रांसफ़र ही कर दीजिए। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। ठीक है, इस तरह से आप लेटर को याद कर सकते हैं। ये आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके रोक करके वीडियो को ये एप्लीकेशन लिख लीजिए। आप रोक लीजिएगा वीडियो और रोक करके लिख लीजिएगा, फिर दूसरा एप्लीकेशन मैं भी रोक देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा एप्लीकेशन ये है, आप इसको भी रोक करके कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत ही उपयोगी हैं। ये इस तरह से वीडियो को आप रोक लीजिए यहाँ और रोक करके आप इसको भी कॉपी में लिख लीजिए। फिर इस वीडियो को मैंने यहाँ पास रोका, इसको आप भी रोक करके इसको भी लिख लीजिए कॉपी में। फिर इसके बाद में ये लेटर है आपका, इस लेटर को भी रोक करके आप लिख लीजिए। वहाँ जल्दी जल्दी चला था इसलिए वहाँ आप रोक करके नहीं लिख सकते, यहाँ आप आसानी से लिख लेंगे। फिर ये लेटर को आप लिख लीजिए। फिर इस लेटर को आप लिख लीजिए। आप वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिए, अंग्रेजी में पॉज कहते हैं रोकने को, पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा। ये एप्लीकेशन, सॉरी, ये लेटर हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बहुत ही सरल तरीके से लेटर लिखना सीख गए होंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेटर में कुछ भी नहीं होता है। यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे अन्य वीडियो आसानी से मिल सके। और इसी वीडियो के लिंक में मैं एप्लीकेशन के भी वीडियो डाल दूंगा, आप उनको भी आसानी से देख सकते हैं। वो भी परीक्षा के लिए आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। उसमें भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।